हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बलवीर जीके एंड मैथ ट्रिक्स में। आज का जो वीडियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित है। प्रॉफिट एंड लॉस का नौवां ट्रिकी वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों, नौवां ट्रिकी वीडियो। यह प्रॉफिट एंड लॉस का जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सो यह टाइप है। यह ऐसा टाइप है जिसमें जब हम क्रयमूल या विक्रयमूल को दोनों को एक ही साथ बढ़ाते हैं या दोनों को एक ही साथ घटाते हैं। क्रयमूल या विक्रयमूल दोनों को या तो एक साथ बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो व्यापार में होने वाले जो परिवर्तन है उस पर जो है सो यह फोकस करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो यह टाइप है वह टाइप तो आप समझ रहे हैं। कैसा टाइप है कि जब विक्रयमूल और क्रयमूल दोनों एक साथ बढ़ाए जाए तो वैसा टाइप है ये। ठीक है, या दोनों को एक साथ घटा दिया जाए। ठीक है, तो देखिए यह जो है ऐसे प्रश्नों को आप कैसे चंद सेकंडों में हल करेंगे वह टाइप वह ट्रिक्स आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है। पहला जो है दो 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 क्वेश्चन है मेरे पास, ये दोनों क्वेश्चन देखिए पहले बताने वाले हैं। अगर आप यह दोनों क्वेश्चन को आप ढंग से सीख जाते हैं तो आपको जो है सो इस टाइप का कोई भी प्रश्न देगा आप ईजी वे में चंद सेकेंडों में हल कर पाएंगे। देखिए टाइप क्या कहता है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रयमूल बताइए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यानी कहता है कि एक दुकानदार है जो अपना सामान पहले 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, खरीदवे 10% अधिक पर करता और बेचता जो 20% लाभ पर बेचता उसको 25% लाभ पर यदि बेचता तो उसका जो है उसमें क्या होता, 14 रुपये उसको अधिक मिलते। ठीक है, तो कहता है सामान का क्रयमूल क्या होगा यह बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। अब एक चीज बताइए, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक चीज यहां पर देख लीजिए। एक तरफ आप क्रयमूल ले लीजिए और दूसरे तरफ विक्रयमूल ले लीजिए। क्रयमूल विक्रयमूल तो पूरा का पूरा प्रश्न है। तो कहता है कि एक अगर मान लीजिए कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये में खरीदा तो 20% लाभ मतलब 120 में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, पहला कंडीशन हमारा हो गया, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 100 में खरीदा 20% लाभ पर बेचा यानी 120 में हो गया इसका विक्रयमूल। आगे बढ़ते थे, यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता, 100 रुपये में खरीदा है 10% अधिक करेगा तो क्या हो जाएगा, 110% होगा। तो 100 का 110% अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा। तो यदि 110 रुपया में खरीदता, 10% अधिक हो गया, क्रयमूल पहले 100 था, 10% अधिक कर दिया, 110 में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। किस पर? यह खरीदा हुआ मूल्य है क्रयमूल, इस पर अगर 25% लाभ लेगा। चलिए 110 का 25% निकाल के दिखाते हैं। 110 का 25% लाभ लेना है तो लाभ में क्या होता है दोस्तों, जोड़ दिया जाता है 100 में, तो 125 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। यदि 110 रुपया क्रयमूल था और एक 25% लाभ पर बेचेगा तो यहाँ पर 125 यानी ये 5 से काट दीजिए, 25 5 25 हो गया 100 काट दीजिए इसको, 2 2 4 ये हो गया 55 को 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 275/2 इसको भाग दीजिएगा तो 137.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 137.5। यानी 110 में खरीदता 10% अधिक लेकर के और 25% लाभ पर बेचता तो 137 में बेचता। दोस्तों पहला विक्रयमूल 120 में था, अभी 137 में है। अब यहीं पर अंतर क्या है देखिए, कि जब बेचता 25% लाभ पर बेचता तो 14 रुपया अधिक मिलता। किस विक्रयमूल से अधिक मिलता, इस पहले वाले विक्रयमूल से कितना अधिक मिलता, 14 रुपया अधिक मिलता। तो यही तो अंतर है, देख लीजिए कितना का अंतर है, ये 120 में 137 में 17.5 का अंतर है, यानी 17.5 का वैल्यू हो गया यही 14 रुपया। यानी कोई भी वस्तु 100% अपने आप में होता है, इसलिए एक का वैल्यू ले लीजिएगा 14/17.5, इसीलिए 100% कोई भी चीज होता है 100 का वैल्यू ले लीजिएगा 14/17.5 गुने हो जाएगा 100। दशमलव आकर के एक और जीरो डाल दीजिए ऊपर, 25 से काटे 25 7 100, 25 से काटे कितना हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, दिख नहीं रहा है, नहीं इधर ले लेते हैं। देखिए एक में हो गया इतना तो 100 में कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 100 में, 100 में हो जाएगा यही 14/17.5 गुने हो जाएगा 100। दशमलव उड़ा करके एक जीरो डाल दीजिए, काट लीजिए 25 7 175, 25 4 140, 7 2 14 2 40 2 कितना हो गया, 80 रुपया इसका हो जाएगा आंसर।
कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब इसको आप देखिए, गौर कीजिए इस चीज़ को कैसे हल करते हैं। पहले हम क्रय मूल्य जो है 100 रुपया कोई भी वस्तु का अगर मानते हैं तो लाभ 20% लगा तो 120 रुपया हो जाएगा। अब इसी में कहता है कि यदि 10% अधिक पर सामान खरीदवे करता, 100 हम खरीदा था, 10% अधिक 110 हो गया तो, और उसको 125 यानी 25% लाभ पर बेचता तो 25% इसका लाभ मतलब 125% ले लेंगे तो 137.5। तो यही ना अंतर है विक्रय मूल्य, और यही पहला विक्रय मूल्य है और इसका अंतर कितना है 14 रुपये है। तो 17.5 का अंतर है, यही 14 हो गया, एक का और 100 का ये कितना हो जाएगा, ये 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन खुद करके देखिए, पहले करके देखिए, वीडियो को रोक करके करके देखिए, फिर जो है सो वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए हम देखिए बना करके दिखाते हैं कैसे फटाफट बनेगा, एकदम ईजी में बनेगा। अब आपको थोड़ा तेजी में बना के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपना घड़ी 10% लाभ पर बेचता है, प्रश्न वही है, देखिए 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह घड़ी को 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदवे करता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपया कम मिलते। ठीक, कितना मिलता, कम मिलता। अब यहीं आते हैं, देखिए अपना घड़ी 10%, अब 100 यहाँ पर क्रय मूल्य ले लीजिए आप, क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, नहीं यानी CP और SP ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या कहता, देखिए 100 रुपया में अगर खरीदता और 10% लाभ लेता तो 110 रुपया हो जाता। फिर कहता कि 10% कम पर खरीदता, क्रय मूल्य 100 रुपया था, 10% कम मतलब 90 रुपये में खरीदेगा तो कितना में बेचता, 20% अधिक लाभ पर। अब 90 का 20% निकाल लीजिए, 90 का 20% लाभ मतलब 120%, 120 बटा 100 कर लीजिए, 2 0 2 0 काट लीजिए, 12 नंबर 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108। यदि 90 रुपया में खरीदता 10% कम करके और 20% लाभ पर बेचता तो कितना हो जाता, यह 108 रुपया में बेचता, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यही देखिए कि पहले विक्रय मूल्य 110 है, दूसरा विक्रय मूल्य कितना 108 रुपया था, 2 का अंतर हो गया ना, यही ना 2 का अंतर है जो कितना है 8 रुपया कम मिलता है। पहले विक्रय मूल्य से दूसरे विक्रय मूल्य में 8 रुपये का अंतर है और यही अंतर है, 2 का अंतर है तो 2 का वैल्यू हो गया यहाँ पर 8, 2 का वैल्यू कितना हो गया 8, इसलिए 1 का वैल्यू हो जाएगा 8/2 यानी 4, और इसलिए 100 का वैल्यू हो जाएगा 4×100=400, कितना हो जाएगा 400 रुपया इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लगभग समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एक बार दो बार अभ्यास करेंगे इस टाइप के प्रश्नों को तो आप आसानी से पूरा का पूरा फिर बना पाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए अब दूसरा टाइप एक और लेकर के दिखाते हैं। दूसरा टाइप जो अगला टाइप है वह रेशियो पर आधारित है। ठीक है, कैसा है, अनुपातिक वाला, रेशियो पर आधारित है। देखिए अनुपातिक वाला लेके आए हैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यहां से देख रहे विक्रय मूल्य पहले है तो विक्रय मूल्य पहले वाला हो जाएगा और क्रय मूल्य बाद में है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी जो आपका विक्रय मूल्य है SP हो गया 5 और CP हो गया कितना 4। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो या तो सीधी सी बात है कि SP अधिक है CP कम है, यानी विक्रय बेचेंगे ज्यादा में कीनेंगे कम में तो क्या हो जाएगा लाभ ही होगा, तो लाभ होगा और कितना का लाभ होगा जरा देख लीजिए, 1 का, 5×4 का 1 का ही अंतर है तो लाभ हो जाएगा 1। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य यानी CP इंटू 100 कर लीजिए, प्रॉफिट पी से प्रॉफिट बट्टा CP×100, यानी लाभ हो गया 1, क्रय मूल्य हो गया आपका 4 और 100 हो जाएगा 25% कुल मिलाकर के आंसर आ गया, बस बनके तैयार है, एकदम सिंपल। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है, एकदम इजी में देखिए, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात दिया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा हो गया ये पहला 5 है तो 5, क्रय मूल्य हमारा 4 है तो 4 हो गया। अब क्या हो गया, लाभ ज्ञात करना, लाभ तो 5×4 गया तो 1 ही होता है, लाभ क्या होगा 1 ही होगा, यहाँ लाभ होगा ना विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य होता है, 5×4 गया 1, तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ यहाँ है 1 बट्टा क्रय मूल्य है हमारा CP 4 और हो गया कितना 100, काट दिए हो गया। अब दूसरा देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, यहाँ देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पहले पता चले तो लाभ यानी कि विक्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य कितना तब ना पता चले लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये तो क्लियर होना चाहिए। तो पहले देखिए क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 3/4 है क्रय मूल्य, यानी CP जो है वह SP का 3/4 है,
सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एस पी गुना में ये भाग में ले आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए सी पी बटा एस पी बराबर 3/4, तो सी पी हो गया 3 और एस पी हो गया 4, यानी खरीदा गया 3 में और बेचा गया 4 में। अब एक बात बताइए, 3 रुपये आप खरीद करके 4 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा ना, लाभ ना होगा, लाभ हो जाएगा। अब यहाँ बताइए लाभ हो जाएगा तो कितना लाभ हो जाएगा, हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा। फिर वही बात, प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट के लिए आप लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, अभी जस्ट आपने देखा लाभ बट्टा क्रयमूल, क्रयमूल अगुने 100 बराबर 100/3 बराबर 33/99 और इतना 33/99 और 100/3 यानी 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो, ट्रिकी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देखिए, हम बहुत सारा वीडियो बना हुआ है पूरा का पूरा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इससे पहले हमने परसेंटेज बढ़ाया है, आगे भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चलेगा, आगे भी बहुत सारे वीडियो जो है लाने वाले हैं और बेहतरीन वीडियो, छोटा छोटा वीडियो लेंगे, पहले हम सैकड़ों वीडियो छोटा छोटा लेकर के अपलोड करने वाले हैं, उसके बाद आपको जो है सो चैप्टर वाइज एक बार में 50-50 प्रश्नों का संग्रह भी लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आराम से इत्मीनान से पढ़िए, और लॉकडाउन हो गया तो हो गया, टेंशन लेने की बात नहीं है, घर में रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।